25 जनवरी सुबह के 7:30 बजे हम निकल पड़े चिल्का की ओर और हमको जाना था सातपाड़ा, क्योंकि सातपाड़ा ही वो घाट है जहाँ पे हमको बोट लेना है डॉल्फिन देखने के लिए। तो यहाँ से करीब 1 से 1.5 घंटे हम लोगों को लगने वाले हैं और डिस्टेंस है अराउंड 40 to 48 किलोमीटर्स। तो अब निकलते हैं यहाँ से सातपाड़ा के लिए, और सातपाड़ा जाके हमको बोट बुक करना है। हमारा प्लान गवर्नमेंट बोट बुक करने का है। एक्चुअली आपको प्राइवेट बोट्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे, बट गवर्नमेंट बोट की जो प्राइसिंग है वो हमको सही लगी। तो अब यहाँ से निकलते हैं और निकल के मिलते हैं आपसे सातपाड़ा में। पुरी से अगर चिल्का आके डॉल्फिन देखना है या बोट राइड करना है तो बेस्ट ऑप्शन होगा यात्री निवास। आप अगर पुरी से निकलो तो यात्री निवास आओ चिल्का के पास, और यात्री निवास आके यहाँ से गवर्नमेंट के ऑथराइज बोट्स आपको मिलेंगे। आप शहर में जाना चाहो शहर में चल जाओगे, प्राइवेट बोट आप चाहो तो प्राइवेट बोट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ ब्रेकफास्ट लंच सारा कुछ अवेलेबल रहता है, तो आप यहाँ पर आराम से ब्रेकफास्ट लंच करके भी जा सकते हो। तो ये हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन लगा, और मैं एडवाइस करूँगा यही आप लोगों को, क्योंकि रास्ते में जब आप आओगे तो रास्ते में बहुत सारे बोट्स आपको जो प्राइवेट बोट के ऑनर्स हैं वो आपके गाड़ी के साथ लग जाएंगे। WB नंबर अगर देखें या आउटसाइड उड़ीसा का नंबर देखें या कोई भी प्राइवेट नंबर देख के वो तुरंत पीछे पड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको अवॉइड करना और गवर्नमेंट बोट लेना, वो आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट करके अब थोड़ी देर में एक शेयर बोट हमारा हुआ है, करीब 30 सीटर है, देखें पर हेड क्या पड़ता है, और उसी से हम लोग निकलेंगे आगे। चलो ब्रेकफास्ट करके मिलते हैं। यात्री निवास से अराउंड 5 मिनट का वॉक होगा और गाड़ी से हार्डली 1 या 2 मिनट लगेगा। हम लोग अभी जो हमारा बोट है OTDC से ही बुक किया हुआ, अब उस बोट पे हम लोग जा रहे हैं, और ये पूरा एक ग्रुप ही है हमारा करीब 14-15 लोगों का। तो ये रहे हमारे बोट के ऑपरेटर, बोट ड्राइवर, जो लेके जा रहे हैं हम लोगों को अभी। क्या पता कैसा बोट होगा यार। अच्छा ये रहा हमारा बोट। चलो 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 ना 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 बिकॉज अगर आप प्राइवेट बोट यहाँ से करते हो तो वो बोट चलता है डीजल से, और उसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हो गए। हमारे सामने एक बोट अभी जा रहा है, वैसा ही बोट यहाँ पे मिलेगा जो प्राइवेट ऑपरेट करते हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं जिनके। और OTDC वाला बोट अगर आप करोगे तो वो पेट्रोल से चलने वाला बोट मिलेगा जिसमें आवाज़ एकदम भी नहीं है, तो चांसेस ज़्यादा है डॉल्फिन के आसपास रहने के। तो चलो जैसे जैसे आगे दिखता है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और करीब 14 लोग हैं हम इस बोट पर, तो सफिशियंट जगह है, और आज का वेदर अभी तक तो ठीक लग रहा है। बहुत ज़्यादा वैसा कोई ह्यूमिड नहीं फील हुआ, और गर्मी भी अभी वैसा हम लोगों को महसूस नहीं हुआ है। तो चलो आगे जैसे जैसे करीब 3-3.5 घंटे का राइड है ये हमारा, तो देखें आगे क्या दिखता है और दिखाते हैं आपको। ये जो मैं प्राइवेट बोट बोल रहा था, देखो वो सारा आवाज़ आपको शायद यहीं से समझ में आ रहा होगा कि तो
ये हमारे बोट में सारे लोग बैठे हैं। मंदिर होगा बट आके यहाँ सरप्राइज आप हो जाओगे क्योंकि ये बीच पूरा वर्जिन है, कोई भी नहीं इस बीच पे। और मतलब एक्सप्लेन करना मुश्किल है यार इस जगह को, क्या खूबसूरती इस जगह की। आप ये पूरा लंबा देखो, एक स्ट्रेच कितना अच्छा ये आपको सी बीच मिलेगा। और ये सारे हमारे बोट के ही लोग हैं जो हमारे साथ बोट पे आए, दो OTDC की बोट यहाँ पे आई है और उसी बोट के लोग। बहुत खूबसूरत बीच है ये। आप इसका डिजाइन देखो, ये वाला एकदम डिफरेंट पर साइज है, मतलब मोटा मोटा है पूरा एकदम। चलो
देखो छोटा सा शंख। वो जो बीच हम लोग देखे वो बीच काफ़ी बढ़िया था, वो अच्छा लगा वहाँ पे। तो बस अब चलो लंच करके मिलते हैं डायरेक्ट पूरी। पूरी जाने से पहले हम लोग डिसाइड किए कि यहाँ पे एक चिल्का डेवलपमेंट सेंटर, सॉरी सीवी, हाँ चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये कुछ है, जहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम जैसा है, पे बहुत कुछ अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलें अंदर एक एक चीज़ देखें क्या क्या है। जो जो बर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल, अगर आप चिल्का लेक जाओगे तो वहाँ पे जो जो बर्ड्स आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन है। और यही डॉल्फिन है, यही डॉल्फिन हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिला। ये नहीं देख पाया मैं, चलो ऊपर चलो, ये मजा आएगा। ये जगह इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिलेगा। ये तो क्रोकोडाइल है,
इको पार्क ওটা স্কেলটন আছে বলল কই তো কি সব রেখে দিল ডলফিন ये है चिल्का इको पार्क। यहाँ एक बहुत बड़ा स्केलेटन है, वो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। चलो आपको भी दिखाते हैं। वो सामने स्केल्टन दिख रहा होगा, वो मैं अभी करीब से दिखाता हूँ आपको। वेल वेल ब्लू वेल, ये स्केल्टन है ब्लू वेल का। यहाँ सारा डिटेल दिया हुआ है। एडल्ट ब्लू वेल ऑफ 12 मीटर लेंथ एंड अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 2 टन्स बॉडी वेट, रिकवर्ड फ्रॉम द सी बीच ऑफ नकराम दनकल पादू विलेज इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑन मे 2007 विद द परमिशन ऑफ द स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। ये एक बढ़िया चीज़ देखने को मिला। 2007 में इसको रिकवर किया गया था। बढ़िया है, ये 2007 में रिकवर हुआ है। देखो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। हाँ ब्लू वेल, चलो दैट्स इट फॉर नाउ। अब डायरेक्ट पूरी हो गया हमारा आज का। चलो पुरी और बरहमपुर को कनेक्ट करने के लिए चिल्का से एक वेसल सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू आप अपनी गाड़ी को लेके एक पार से दूसरे ओर जा सकते हो। तो नॉर्मली जो लोग गोपालपुर जाना चाहते हैं चिल्का से, उनके लिए ये बेस्ट वे है, बिकॉज़ आप करीब 40 मिनट में ये सफ़र को तय कर पाओगे। और अगर वही आप बाई रोड जाते हो तो आपको काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो हमको भी समय मिला और उस वक्त एक वेसल आ रही थी, तो वो देखो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। और नॉर्मली यहाँ पे इस वेसल में सिटिंग अरेंजमेंट कुछ नहीं है, आप अपनी गाड़ी में ही बैठ के जा सकते हो। तो आपकी जो गाड़ी होगी उस गाड़ी में ही बैठो और वेसल को गाड़ी में लोड करो और उस पार चले जाओ, और वहाँ से आप आराम से गोपालपुर पहुँच सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है गोपालपुर और पूरी को। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।